اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा और अहम दिन. हमारा मुल्क हमेशा मुख्तलिफ किस्म की मुनाफरतों का शिकार रहा. सिंधी बलोच से बरसरे पैकार बलोच को पंजाबी से लड़ा दिया गया. हालांकि हमारी आवाम कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करती थी, लेकिन हमें ऐसी सियासी क्यादत की अशद जरूरत थी जो इन मसनूई दराड़ों को पुर कर सके. और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इमरान खान साहब जैसा लीडर मिला कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं उम्मत मुस्लिमा का लीडर है. लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात और सबसे बड़ा लीडर एक ऐसे सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया, वहां के एक बहुत तगड़ी तवाना आवाज, बलोचों की, पश्तूनों की, बलोचिस्तान के हकूक की तवाना आवाज जनाब महमूद खान अचकजई साहब को जनाब इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन तरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया. इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे, उर्दू स्पीकिंग, पाकिस्तान बनाने वाले लोग. सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने दी और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को यह दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं. और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को और पश्तूनख्वा को. तारीख में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया. ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है. इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फरोग मिलेगा और मुनाफरत कम होगी. और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहां के मकीन है, सन ऑफ सॉयल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज है. इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी. स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आगे हैं, लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूंगा जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं कि जनाब अचकजई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलोचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के खिलाफ, अवाम के हकूक के लिए, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक जरूरत है, पाकिस्तान के लिए लाजम व मलजूम है, लेकिन सियासत सियासतदानों का काम है. और कौम अपनी फौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है, लेकिन इस पे एक मौकफ है तहरीक इंसाफ का जो आईनी मौकफ है, जिस पे अचकजई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आईन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं. उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज्यादती की गई, जो उनके वहां गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से आर्जी तौर पे पार्लियामेंट में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर यूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है. और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इश्यूज हल नहीं होंगे. जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लियामेंट में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकजई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारत. बहरहाल इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद हैं आखिरी बात कि ये फैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा जमहूरियत की बका और इस्तेकाम के लिए. और इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकजई साहब को सदर बनाएंगे. और इसमें हमारे तमाम इकाइयां, हमारे तमाम सूबों से हमारे MPA साहबान, मरकज से हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारे जमात से सपोर्ट मिलेगी. मैं दरख्वास्त करूंगा अचकजई साहब से, उसके बाद चीफ व्हिप साहब भी खड़े कि थोड़ा सा अपने ख्याल के इजहार कीजिएगा. बिस्मिल्लाह. फुरबले से एतराज जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की अगानगत और इतिहाद से
तकलीफ तो पहुंचेगी नहीं। अली मोहम्मद साहब पहली ये सारे मोहम्मद की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है वो 2018 में क्यों नहीं की, और जो लकाबात जो अल्फाजात महमूद खान नजरजई के बारे में असेंबली में इस्तेमाल करते रहे पानी पीटीआई, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया सर जी। अगर हम इसी तरह दायरों में सफर करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूं, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने असीरी के दिनों में जंदान से दिया वो इमरान खान ने दिया, कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ खोसा साहब, भाईजान आप की तवज्जो चाह रहा हूं, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद और 1500 साल में हमेशा जना जो है वो एक काबिल नफरत और काबिल ताजीर जुर्म होता था, निकाह में सजा पाने के बाद 1500 साल की तारीख में पहली बार किसी मुसलमान को निकाह करने पे सजा मिली है, इन सारी चीजों को बर्दाश्त करने के बाद और अपने बहुत से जवान खोने के बाद, जिले शाह शहीद होने के बाद और इस तरह की बेशुमार कुर्बानियों के बाद, अरश शरीफ की शहादत के बाद मैसेज अंदर से क्या गया कि मैं फतह मक्का मॉडल पे यकीन रखता हूं, मैं सियासी इस्तेहकाम पे यकीन रखता हूं, सियासी इंतकाम पे नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह गैर मुस्लिमों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का मॉडल को लेके अपने मुल्क ठीक किए, और मिसाल उन्होंने दी नेल्सन मंडेला साहब की कि उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन बना के मुल्क को आगे लेके गए, ये इमरान खान का मैसेज है जेल से सियासी इस्तेहकाम का। हमें ऐसी सियासी क्यादत की अशद जरूरत थी जो इन मस्नूई दरारों को पुर कर सके, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इमरान खान साहब जैसा लीडर मिला, कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात और सबसे बड़ा लीडर एक ऐसे सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया, वहां के एक बहुत तगड़ी तवाना आवाज, बलोचों की, पश्तूनों की, बलोचिस्तान के हकूक की तवाना आवाज, जनाब महमूद खान अचकजई साहब को जनाब इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे, उर्दू स्पीकिंग, पाकिस्तान बनाने वाले लोग, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने दी, और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को ये दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को और पश्तूनख्वा को, तारीख में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया, और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है, इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फरोग मिलेगा और मुनाफरत कम होगी, और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहां के मकीन है, सन ऑफ सॉयल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज है।